हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। जैसा कि आज रॉ का एपिसोड खत्म हो चुका है, इस एपिसोड में हमें दो इंसिडेंट देखने को मिले जिसके बाद आप सभी के मन में आया होगा कि ऐसा क्यों हुआ। आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूं। तो इस वीडियो में उन्हीं बातों पर नजर डालेंगे और इसके साथ साथ एलिमिनेशन चैम्बर को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं फर्स्ट अपडेट से, जिसमें मैं बात करूंगा संडे को होने वाले पीपीबी एलिमिनेशन चैम्बर की, जिसमें WWE चैंपियनशिप के लिए चैम्बर में मैच होना है, जहां डैनियल ब्रायन अपना टाइटल डिफेंड करेंगे स्मैकडाउन के पांच बड़े सुपरस्टार के खिलाफ। इन पांच में से एक सुपरस्टार मुस्तफा अली भी हैं। अली के फैंस के लिए एक सैड न्यूज सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस मैच में बड़ा चेंज होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि अली इंजर्ड है और शायद WWE उन्हें रिंग में उतरने की परमिशन ना दे। आप सभी को बता दूं, बताया जा रहा है कि अली पिछले कुछ हफ्तों से इंजरी के साथ खेल रहे थे और रैंडी ऑर्टन के साथ मैच में उनकी आंख में चोट भी आई थी। ये आंख की चोट और ज्यादा बढ़ गई इस वीक लाइव इवेंट में अली के खेलने से, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अली को इस मैच से हटाया जा सकता है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि उनकी जगह और कौन सा सुपरस्टार इस मैच में शामिल होगा। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि क्यों बेकी लिंच को 60 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और उन्हें क्यों रसलमेनिया 35 के मैच से हटा दिया गया। ऐसा होने के पीछे कुछ रीजन हैं और उम्मीद है कि वही रीजन हो सकते हैं। जैसा कि बेकी लिंच को नी इंजरी है और हो सकता है कि ये काफी सीरियस इंजरी हो, जिसकी वजह से वो महीनों के लिए WWE से बाहर हो। इसी वजह से एक स्टोरी लाइन बना के फैंस के सामने रखा गया, ताकि फैंस को लगे कि मैकमैन फैमिली बेकी लिंच के खिलाफ है। वहीं दूसरा बड़ा रीजन हो सकता है कि ट्रिपल एच और विंस मैकमैन के बीच कुछ जोक दिखाई दे इस डिसीजन के बाद, वो इसलिए क्योंकि ट्रिपल एच ने बेकी लिंच को कह दिया था कि तुम अब लड़ोगी रसलमीना 35 में, तभी विंस मैकमैन ने आके उनकी जगह शार्लेट फ्लेयर को डाल दिया, जिस वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम में बेकी लिंच इस मैच में वापसी करें और ये बन जाए एक ट्रिपल थ्रेट मैच रॉ वुमेन्स टाइटल के लिए। वो इसलिए क्योंकि बेकी लिंच वर्सेस रोंडा रोजी के बीच होने वाले मैच का रिजल्ट महीनों पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया गया था कि विनर वहां बेकी लिंच बन सकती हैं। शायद इस वजह से इस मैच में ट्विस्ट डाला गया हो। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं, वो है क्यों आज डीन एम्ब्रोस सेथ रॉलिंस के सामने आए और उनसे ये कहा कि ब्रॉक लेसनर को हरा देना। इसके पीछे कुछ रीजन जो दिखते हैं वो ये कि डीन एम्ब्रोस का हील टर्न उतना अच्छा नहीं रहा जैसा कि फैंस को उम्मीद थी। वहीं सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस की फ्यूट से फैंस को काफी उम्मीद थी, बट WWE ने इसे बोर बना दिया था, जिसके बाद पिछले कुछ हफ्तों से WWE डीन एम्ब्रोस को धीरे धीरे बेबी फेस के रोल में ला रही है और यही वजह रही कि डीन एम्ब्रोस ने आके सेथ रॉलिंस को ऐसा कहा। ऐसा करके WWE ने फैंस नजर में डीन एम्ब्रोस के लिए सिंपैथी क्रिएट करी और डीन एम्ब्रोस ने सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट ही हील टर्न लिया था। वहीं आने वाले बड़े पीपीवी रसलमेनिया 35 में मेबी डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस के बीच कुछ ऐसा दिखे जिसके बाद ये फिर से एक नजर आए और उसके बाद डीन एम्ब्रोस WWE छोड़ दें, जिसके पीछे शायद WWE ये सोच रही हो कि डीन एम्ब्रोस की विदाई WWE से एक अच्छा बेबी फेस रेसलर बना के कराई जाए। एक रीजन ये भी हो सकता है जिसके चांसेस मुझे कम लगते हैं कि डीन एम्ब्रोस आके सेथ रॉलिंस से कहें कि जो कुछ हमारे बीच हुआ से भूल जाओ, मैं सब कुछ भुला चुका हूं, और डीन एम्ब्रोस खुलकर सेथ रॉलिंस के सपोर्ट में आए। इससे डीन एम्ब्रोस के लिए फैंस जो नेगेटिव हुए थे वो पॉजिटिव भी हो जाएंगे। तो फ्रेंड, ये थे कुछ ऐसे पॉइंट जो शायद आपके मन में जरूर आ रहे होंगे आज रॉ के एपिसोड के बाद। आई होप वो अब सब क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और इस तरह की अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पे डर्टी डीड्स और कर्ब स्टॉर्म मार्कर चैनल सब्सक्राइब करना। मगर प्यार से, थैंक यू।